आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आज हम नेशनल पीजी ग्राउंड में यहाँ पर भूगोल विभाग के द्वारा जियो हेल्प नामक एक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, क्या मोटो है, इस प्रोग्राम का आयोजन क्यों किया जा रहा है। आइए चलते हैं, जानते हैं इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है। हाँ, हमारे भूगोल जो विभाग है उसके तत्वाधान में एक अक्षर संस्था हम लोग विद्यालय के बच्चे ही एक साथ मिलकर प्रारंभ किए हैं कि जो मलिन बस्ती होती हैं जहाँ बच्चे पढ़ते नहीं, खुराफातों में पढ़ जाते हैं, कुछ दूसरी बातें सीखते हैं, इसीलिए उनको पढ़ाने का काम और अच्छे अच्छे काम। और ये जैसे मेला लगा है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज में यहाँ से कुछ जो पैसा प्रॉफिट में मिलेगा वो समाज में दान करने के लिए, समाज के लिए कुछ काम करने के लिए, चैरिटी के लिए हम लोग लगा रहे हैं, बच्चों की हेल्प कर सके और जो भी पैसा हमें मिलेगा उससे हम एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेंगे और बच्चों को गिफ्ट्स और जो भी होगा उनके लिए जो जियो हेल्प की तरफ से हो रहा है। हम इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं, एनजीओ से पढ़ाते थे। आज का ये प्रोग्राम बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप या स्व उद्यमिता को बढ़ावा देने की दृष्टि से किया गया है और समाज के प्रति एक जागरूकता बने उनकी। ये जो बच्चे सामान आज लगाए हैं स्टॉल पे, ये सब उनके द्वारा ही बना हुआ है, ज़्यादातर सामान उनके द्वारा बना हुआ है और इससे जो आय उनको होगी। 16 तारीख को हमारे यहाँ स्लम के बच्चे आएंगे, उनको इन्वाइट करते हैं हम लोग, पिछले सालों भी किया है ये कार्य करके। हमने बच्चों को पढ़ने की शिक्षा देने का प्रयास किया है, जिसमें ये बच्चे, हम और सब बच्चे मिल करके कुछ फंड जनरेट किए और उस पैसे से हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉल लगाया है और कुछ बच्चों ने सामान बनाया भी है कि जिससे उनको काम करने के प्रति उनके अंदर और हुनर बढ़े। और मोदी जी की स्कीम भी है कि भारत में रोजगार तो नहीं हो सकता लेकिन रोजगार का सृजन कर सकते हैं हम लोग, हम रोजगार अपने आप क्रिएट कर सकते हैं, कब तक नौकरी मांगेंगे। और इसीलिए नेशनल कॉलेज ने ये काम शुरू किया, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट ने, कि हम लोग अपना खुद रोजगार क्रिएट कर सकें, क्योंकि रोजगार की समस्या भी भारत में बहुत है। और ये जो कार्य करेंगे इससे जो कुछ पैसा मिलेगा उस पैसे को हम लोग इकट्ठा करके 16 तारीख को स्लम के और तमाम गरीब बच्चों के लिए कुछ सामान इकट्ठा करेंगे, उनको दान स्वरूप देंगे कुछ कार्यक्रम करके। स्लम के बच्चों के लिए हम लोग हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं और इस दीपावली पे हम लोगों ने सोचा है कि 16 तारीख को हम लोग इस चैरिटी से जो भी आय अर्जित होगी उसके द्वारा हम विभिन्न प्रतियोगिताओं को कराएंगे। इस प्रतियोगिता को कराने का एकमात्र उद्देश्य कॉलेज में यही है कि अगर वो कॉलेज के कैंपस में आएंगे तो उनमें एक उत्सुकता और इमेजिनेशन जागेगी कि आने वाले समय में वो इस कॉलेज में एडमिशन लें और अपना सुंदर और उज्ज्वल भविष्य बनाएं। और कॉलेज के अलावा स्लम्स में हम लोग विभिन्न स्लमों में जाएंगे और कपड़े वितरण वगैरह भी कराएंगे। फुलझड़ियां और पटाखे इस बार हम लोग वितरित नहीं करेंगे, खाने पीने का सामान और विभिन्न खेल प्रतियोगिता कराएंगे ताकि हम लोग प्रदूषण फ्री दिवाली को संपन्न कर सके और अपनी मैसेज को सबको सेंड कर सके।